हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरेटिंग फंक्शंस। लेट ए इक्वल्स टू ए जीरो ए वन ए टू अप टू इन्फिनिटी इज ए डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। देन जी एक्स इक्वल्स टू ए जीरो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस प्लस इन्फिनिटी। ये एक इन्फिनिटी सीरीज है, इसको हम इस जनरेटिंग फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। तो अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, कह सकते हो एक नंबर्स की, रियल नंबर्स की एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो उसको हम एक जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से, और उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर एक्स इज सेड टू बी अ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन ए। तो ये जो सीक्वेंस है, ये एक न्यूमेरिक फंक्शन ए है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया एक्स के टर्म्स में। इस इनफाइनाइट टर्म्स को जो हमने एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ये एक जनरेटिंग फंक्शन है इस न्यूमेरिक फंक्शन ए का। इसकी एक और डेफिनेशन है कि लेट ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री अप टू इन्फिनिटी बी अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड एज ए एन। पूरी सीरीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस में ए एन। देन ए सीरीज इन पावर ऑफ एक्स, तो ये जो सीरीज होगी पावर ऑफ एक्स की इन सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के साथ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड ए जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सीरीज ए एन। वी कैन यूज जनरेटिंग फंक्शन टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने रिकरेंस रिलेशन पढ़ा, तो रिकरेंस रिलेशन को हम जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड ऑर्डनरी जनरेटिंग फंक्शन, इसको ऑर्डनरी जनरेटिंग फंक्शन भी बोला जाता है। तो फाइंड ऑर्डनरी जनरेटिंग फंक्शन फॉर सीक्वेंस 111 इन्फिनिटी टाइम्स। एक सीरीज है जिसमें सारे जो टर्म्स है वो वन है और इनफाइनाइट टाइम्स हैं। तो ऑर्डनरी जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, जी एक्स इक्वल्स टू ए जीरो, क्योंकि एक्स की पावर जीरो का मतलब वन होता है, इसीलिए यहाँ पर एक्स की पावर जीरो नहीं लिखा है हमने। ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, इस टाइप से ये सीरीज चलेगी। यहाँ पर जो सारे टर्म्स हैं वो वन है, यानी ए जीरो भी वन है, ए वन भी वन है, ए टू भी वन है, ए थ्री भी वन है, सारे इनफाइनाइट टर्म्स क्या हैं, वन है। अब इस वैल्यूज़ को हम इस जनरेटिंग फंक्शन में सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन एक्स वन प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब, ये इनफाइनाइट जाएगा। और ये क्या है, एक ये एक जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ए इंटू ब्रैकेट में आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। यहाँ पर कोफिशियंट जो है वो ए होता है, तो ए यहाँ पर वन है और आर क्या है, एक्स है। यहाँ एक्स को वन से डिवाइड करूँगी तो एक्स मिलेगा, एक्स को एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करूँगी एक्स मिलेगा, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगी उसके प्रीवियस टर्म्स से तो मुझे एक्स मिलेगा। तो आर यहाँ पर क्या है, एक्स है और ए इक्वल्स टू क्या है, वन है। तो ए इंटू आर टू द पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो एक्स टू द पावर इन्फिनिटी माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, आर इज एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स की पावर इन्फिनिटी है वो जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। मैंने यहाँ से ही माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो इस सीरीज़ के लिए हमें जनरेटिंग फंक्शन क्या मिल गया, जी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो कोई भी सीरीज़ दी हुई है, जैसे ये वाली सीरीज सीक्वेंस दी हुई है जो कि इनफाइनाइट टर्म्स की है, यहाँ पर ए जीरो वन है, ए वन वन है, लेकिन ए टू क्या है, थ्री है, बाकी सारे टर्म्स वन है, जो ए टू है सिर्फ वही थ्री है। तो जनरेटिंग फंक्शन इसका क्या बनेगा, वन इंटू एक्स की पावर जीरो प्लस वन इंटू एक्स की पावर वन प्लस थ्री इंटू एक्स की पावर टू प्लस वन इंटू एक्स की पावर क्यूब फिर वन इंटू एक्स की पावर फोर, ये इनफाइनाइट जाएगा। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, वन प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस वाली सीरीज से अगर हम मैच करें तो यहाँ पर सिर्फ ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर है, यानी टू एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, यानी कि हम इस थ्री एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर करके लिखेंगे और टू एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे। तो ये सीरीज एज इट इज इसकी तरह बन जाएगी और इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स।
इस टाइप से अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिक फंक्शन इस टाइप से है, ए एन इक्वल्स टू वन, यानी कि ये सारे टर्म्स जो होंगे सीरीज में वन होंगे अप टू इन्फिनिटी, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन अभी हमने निकाला क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स। अगर सारे टर्म्स के हैं तो उस केस में इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, के अपॉन वन माइनस एक्स। और अगर टर्म्स सीक्वेंस में है ज़ीरो वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी, तो उसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अगर कोई सीक्वेंस जो है इस टाइप से है, ज़ीरो का स्क्वायर वन का स्क्वायर, यानी कि ए एन जो है वो एन स्क्वायर है, तो उस केस में उसका जनरेटिंग फंक्शन होगा एक्स इंटू वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स टू द पावर थ्री। और अगर कोई सीक्वेंस इस टाइप से है, अल्फ़ा की पावर ज़ीरो, अल्फ़ा की पावर वन, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब अप टू इन्फिनिटी, जैसे ए एन इक्वल्स टू अल्फ़ा टू द पावर एन है, तो उसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा एक्स। अगर यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं हो इस सीक्वेंस में, ज़ीरो है तो ये सॉल्यूशन है, इस सीक्वेंस में ज़ीरो नहीं है तो ये क्या आएगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपको कुछ सॉल्यूशंस याद रखने हैं, अगर कोई भी सीक्वेंस आती है तो आपको ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने आना चाहिए।